हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक वर्मा। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में जो है सिविल एंड इंटीरियर स्टैंडर्ड्स पार्ट टू। इस पार्ट में हम बात करेंगे डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स की, मतलब जो आपका यूनिट वेट होता है मटेरियल्स का, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आप मटेरियल यूज करते हो उसकी डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का मतलब होता है कि केजी पर क्यूबिक मीटर, तो उन सब चीजों के बारे में आप बात करेंगे। अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो आप डेंसिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है, कैसे यूज होता है, उन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वाटर, जो आपका यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। इसकी जो डेंसिटी होती है, इसका जो यूनिट वेट होता है, वो होता है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सबसे पहले तो पर क्यूबिक मीटर क्या होता है, केजी पर क्यूबिक मीटर, इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक बॉक्स, आप यहां पे देख पा रहे हो, अगर आपके पास 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब है, अगर मैं इसको कंप्लीट वाटर से फिल कर लूं, तो उसके अंदर जो पानी आएगा वो 1000 केजी आएगा। ओके, तो ये जब हम मटेरियल को कैलकुलेट करते हैं उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये था वाटर का डेंसिटी जो मैंने यहां पे बताई, इसे हम डेंसिटी भी बोलते हैं, जो है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिक, जो आपकी ब्रोकन ब्रिक होती है, नॉर्मल ब्रिक्स जो आपकी होती है वो होती है, उसका जो होता है 1420 केजी पर क्यूबिक मीटर उसका वेट होता है। ओके, उसके बाद जो ब्रिक कॉमनली हम यूज करते हैं, जो अच्छी ब्रिक होती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी की ब्रिक होती है, तो उसका अगर हम डेंसिटी निकालें तो वो 1600 केजी पर क्यूबिक मीटर हो जाता है। उसके बाद सीमेंट, ऑर्डिनरी सीमेंट जो हम यूज करते हैं नॉर्मली घर को बनाने के लिए, उसे हम ऑर्डिनरी सीमेंट बोलते हैं। इसे बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसे हम पोर्टलैंड सीमेंट भी बोलते हैं, जिसको हम घर में कंस्ट्रक्शन पे यूज करते हैं। इसकी डेंसिटी जो होती है वो 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर के बॉक्स क्यूब में अगर हम इसे फिल करते हैं तो 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर आपका वो आएगा उसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमेंट, जो आपकी रैपिड हार्डनिंग वाली सीमेंट होती है। ये सीमेंट हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे स्ट्रेंथ हमें क्विकली चाहिए होती है, जैसे रोड वगैरह हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे हम इस चीज को यूज करते हैं ताकि वो स्ट्रेंथ जल्दी पकड़े। जो हमारी नॉर्मल वाली सीमेंट होती है ऑर्डिनरी, ये अगर 3 दिन में सूख रही है तो रैपिड सीमेंट जो आपकी होती है वो 1 दिन में सूख जाती है, इतना वेरिएशन होता है इसमें, और इसकी स्ट्रेंथ जो आपकी ऑर्डिनरी सीमेंट से ज्यादा होती है। ओके, उसके बाद बात करते हैं सीमेंट मोर्टार। मोर्टार की जो डेंसिटी होती है 2000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, जो नॉर्मली हम मसाला रेडी करते हैं। उसके बाद है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसे हम PCC भी बोलते हैं। इसकी जो डेंसिटी होती है 2400 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। PCC क्या होता है, PCC 4 चीजों से बनती है, सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट। इसमें जो नॉर्मल फ्लोर वगैरह हम बनाते हैं, जहां पे स्टील का कोई यूज नहीं है, वहां पे हम PCC का यूज करते हैं। वो हम यूज करते हैं फुटिंग में, ग्रेड स्लैब्स में, स्लैब्स में, या फिर कंक्रीट रोड्स वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, जहां पे हमें स्टील का यूज नहीं करना है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं नॉर्मल फ्लोरिंग वगैरह बनाने में हम इसका यूज करते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें, उसे हम बोलते हैं रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, RCC। RCC सीमेंट कॉन्क्रीट में क्या होता है कि जो ऑर्डिनरी में होता है सीमेंट कॉन्क्रीट एंड सैंड और वाटर, इससे अलग एक स्टील ऐड हो जाती है जब हम रूफ वगैरह बनाते हैं, जहां पे भी हमें यूज करना पड़े। ये आपका यूज होता है स्लैब, वॉल्स, बीम्स, कॉलम, फाउंडेशन, फ्रेम्स वगैरह में यूज होता है, और जहां पे भी स्टील का यूज हो वहां पे हम रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट यूज करते हैं। क्लियर है? ऐसा नहीं है कुछ अलग से सीमेंट है, इसका मतलब है कि जब आप स्टील यूज कर रहे हो किसी भी फाउंडेशन में या कहीं पे भी, तो वो RCC का काम आप कर रहे हो, वो रेनफोर्समेंट सीमेंट कॉन्क्रीट को आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट अगर बात करें डेंसिटी ऑफ ग्लास, जो बिल्डिंग्स में ग्लास होते हैं, अगर उसकी डेंसिटी की बात करें तो 2500 केजी पर क्यूबिक मीटर उसकी डेंसिटी होती है। नेक्स्ट है लाइम कॉन्क्रीट, उसके 1900 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। लाइम कॉन्क्रीट होता है चूने वाले, जो आपने व्हाइट कलर वाली बजरी देखी होगी, जो रोडी आपकी होती है, उसे हम लाइम कॉन्क्रीट बोलते हैं। उसको अगर पाउडर वे में अगर हम यूज करें तो प्लास्टरिंग के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे लाइम कॉन्क्रीट के बारे में एग्जाम्पल दूं,
लाइम कॉन्क्रीट यूजेस के बारे में अगर हम बताएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो व्हाइट कलर वाला आपका चूना पत्थर होता है वो हमारा व्हाइट कॉन्क्रीट होता है, लाइम कॉन्क्रीट जो हम यूज करते हैं इन कंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद सीमेंट प्लास्टर, जो आप सीमेंट की प्लास्टरिंग करते हो उसकी 2000 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है जो डेंसिटी होती है। फिर हम बात करेंगे लाइम प्लास्टर की, अगर हम लाइम से प्लास्टर करते हैं तो इसकी डेंसिटी 1700 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। ये व्हाइट कलर की सीमेंट होती है, आप देख पा रहे हो। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्टोन की। स्टोन भी काफी सारे टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो स्टोन है आपका बैलास्ट स्टोन है, जिसकी जो आपकी डेंसिटी है 1700 टू 20 केजी पर क्यूबिक मीटर। ये स्टोन यूज होती है आपके जब आप ट्रेन की पटरियां होती है ना उसके बीच में जो स्टोन होता है उसे हम बैलास्ट स्टोन बोलते हैं। ये स्टोन नुकीले होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जब ट्रेन आती है वाइब्रेशन होती है तो ये हिलते नहीं है और जम जाते हैं। अगर वहां पर राउंड में हम स्टोन को यूज करेंगे तो वो वाइब्रेशन से हिल जाएंगे और वो आपका साइड से निकल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टोन जो होता है वो एग्रीगेट होता है, जो आप सिंपल बजरी हम जिसे बोलते हैं, उसकी जो डेंसिटी होती है 1750 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। नेक्स्ट अगर बेसाल्ट स्टोन की बात करें तो ये वाले स्टोन होते हैं जो आप देख पा रहे हो इमेजेस में, तो यहाँ पे जो वॉल्स पे इस तरीके के स्टोन जो यूज किए जाते हैं, इसकी हम ब्लॉकिंग भी यूज करते हैं। जो आपके स्टोन होते हैं जो आपके ब्लॉकिंग ब्रिक्स होती हैं उसमें भी हम इसको यूज करते हैं, कुछ इस तरीके के जो स्टोन है बैलेस्ट स्टोन आपने या आपके बेसल्ट स्टोन होते हैं अगर आपके देखोगे यहाँ पे तो लॉकिंग ब्रिक्स भी इस सब चीजों की बनाई जाती है, इस स्टोन की बनाई जाती है। इसकी जो डेंसिटी मैंने आपको बताई वो 2850 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। ओके, नेक्स्ट ग्रेनाइट स्टोन, उसकी डेंसिटी होती है 2450 केजी पर क्यूबिक मीटर। जो आप स्टोन टेप उस पे किचन के स्लैब टॉप पे यूज करते हो, टेबल्स वगैरह में भी यूज करते हो, ग्रेनाइट स्टोन की स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, तभी हम इस ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे गर्म वर्क होना है, मतलब हॉट ओवन वगैरह वहां पे यूज होना है, उस स्ट्रेंथ का काम वहां पे होना है तो उस जगह पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है नॉर्मल मार्बल, जो हम फ्लोर वगैरह पे यूज करते हैं, जो मार्बल के आपके स्टोन होते हैं तो उसकी जो डेंसिटी होती है 2700 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। नेक्स्ट है टिम्बर, जो आपकी लकड़ी होती है ओक और साल की, जो ओक की लकड़ी होती है उसे हम बलूत, हिंदी में अगर बात करें बलूत का पेड़ भी बोलते हैं, जिस तरीके से स्ट्रेंथ वाली जगह पे यूज की जाती है, जहां पे इस तरीके के टेबल टॉप बनाए जाते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारा यूज होता है, उसकी डेंसिटी होती है 510 केजी पर क्यूबिक मीटर। अगर मैं इसके और एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ये बलूत का पेड़ है, इस टाइप का ये पेड़ होता है जिसको हम यूज करते हैं उसमें, जो आपका टेबल टॉप वगैरह हम बनाते हैं लकड़ी के काम में, जहां पे स्ट्रेंथ का काम होता है वहां पे हम इसकी लकड़ी को यूज करते हैं। ओके, उसके बाद इससे जो फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो आप देख पा रहे हो टेबल्स वगैरह, इस टाइप के फर्नीचर इससे बनाए जाते हैं, ट्रेडिशनल काफी अच्छे फर्नीचर्स हैं जो इस लकड़ी से बनाए जाते हैं। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट हम बात करें टिम्बर, जो मैंगो की लकड़ी होती है उससे इस तरीके की जो लकड़ी होती है उससे इस टाइप के आपके बनाए जाते हैं फर्नीचर, उसकी डेंसिटी 650 केजी पर क्यूबिक मीटर होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिम्बर टीक का, जो आपका टीक का पेड़ होता है जिसे हम सागवान बोलते हैं, सागवान की जो लकड़ी होती है उसे इस तरीके के ट्रेडिशनल फर्नीचर बनाए जाते हैं। और इसके बारे में और अगर बताऊं तो इस तरीके के आपके पेड़ होते हैं सागवान के, काफी सुना होगा सागवान के बारे में सबने, काफी कॉस्टली भी होते हैं। अगर इसके मैं फर्नीचर दिखाऊं तो काफी यूजफुल फर्नीचर, ट्रेडिशनल फर्नीचर इस चीज के बनाए जाते हैं सागवान के। ओके, तो ये होता है आपका कंप्लीट डेंसिटी। 20 टाइप की 20 प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करा जो मटेरियल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे और भी जितने भी रहेंगे उसको हम कवर करेंगे। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल पे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप जरूर दबाएं ताकि आप कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और भी इससे रिलेटेड पार्ट वन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और भी इंटीरियर से रिलेटेड या फिर आपको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और सभी वीडियोस को यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आप प्लीज लाइक जरूर करें, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।